सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में रोमांच अंतिम ओवर तक देखने को मिला। आखिरकार एक छोटे से स्कोर को बचाने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हैदराबाद की टीम को चारों खाने चित कर दिया। अपनी शानदार गेंदबाजी और डेविड वार्नर की कप्तानी के चलते वही हार के बाद कप्तान एडन मार्करम का गुस्सा जमकर फूटा है, जिन्होंने टीम की हार का जिम्मेदार डेविड वार्नर के साथ टीम के कुछ खिलाड़ियों को बताया। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा एडन मार्करम ने, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का टॉस दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जरूर जीता, लेकिन शुरुआत बेहद शर्मनाक रही। सॉल्ट इस मुकाबले में शून्य के स्कोर पर पहले विकेट के रूप में आउट हुए और उसके बाद मिचेल मार्श ने इस मुकाबले में कुछ शानदार शॉट लगाए। 5 चौकों के साथ 25 रन के स्कोर पर तो पलक झपकते ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद नटराजन की गेंद पर LBW आउट हो गए। 2 विकेट 39 के स्कोर पर गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद कप्तान डेविड वार्नर भी सिर्फ 21 रन के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। इसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स की टीम की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर थी कि तू चल और मैं आया वाली स्थिति हो रही थी। सरफराज खान सिर्फ 10 रन बनाकर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद अमन हकीम भी 5वें विकेट के रूप में आउट हो गए, सिर्फ 62 के स्कोर पर। उसके बाद अक्षर पटेल और मनीष पांडे के बीच साझेदारी हुई। दोनों ने 34-34 रनों की पारी खेली और टीम को 144 रन तक पहुंचा दिया। लक्ष्य कभीजगन ने उतरी हैदराबाद की शुरुआत भी खराब रही। ब्रूक 7 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद दबाव काफी ज्यादा हैदराबाद की टीम पर आ चुका था। मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर टीम को 50 के पास तो पहुंचाया, लेकिन 8 ओवर का खेल भी खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद मुकाबले ने करवट ले ली, क्योंकि पहले मयंक अग्रवाल 49 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद राहुल त्रिपाठी सिर्फ 15 रन ही बना सके। मुकाबला तो जब पलट गया जब अभिषेक शर्मा को कुलदीप यादव ने कैच आउट कराकर कमर ही तोड़ दी थी हैदराबाद की टीम की। 69 के स्कोर पर हो चुके थे 4 विकेट और उसके बाद एडन मार्करम को अक्षर पटेल ने 3 के स्कोर पर बोल्ड मार दिया। 85 पर हो चुके थे 5 विकेट और यहां से मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अंतिम 6 ओवर में लगभग 60 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसके बाद हेनरिक क्लासेन ने शानदार छक्का और चौका लगाकर मुकाबले में नई जान फूंक दी। 16 गेंदों में 33 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, क्लासेन 20 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए और सारी जिम्मेदारी वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर आ गई थी। अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन चाहते हुए भी हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में 5 रन से ज्यादा अंतिम ओवर में बना ही नहीं सकी। लेकिन आपको बता दें कि हार के बाद एडन मार्करम का गुस्सा जमकर फूटा है। उन्होंने कहा, एक छोटे से स्कोर को चेस करने के लिए उतरी हमारी टीम का प्रदर्शन वाकई में शर्मनाक रहा। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की बल्लेबाजी खराब रही, सबसे ज्यादा खराब बल्लेबाजी राहुल त्रिपाठी ने कर दिखाई। उन्होंने इतनी ज्यादा धीमी गति से बल्लेबाजी करी जिसकी वजह से दबाव कम नहीं हुआ और अंतिम ओवर में 1 रन हमारी टीम के ऊपर भारी पड़ा। 21 गेंद में उन्होंने 15 रन बनाए। इसके अलावा मार्करम ने बताया कि डेविड वार्नर की कप्तानी भी काफी ज्यादा खतरनाक रही। उन्होंने धोनी की तरह कप्तानी करी और एक छोटे से स्कोर को भी बचाया। उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी में तब्दीली करी, यही सब चीजें हमारे ऊपर भारी पड़ी, क्योंकि शुरुआत हमारी धीमी रही थी। जब छोटा स्कोर हो तो हमें शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए, वरना छोटा स्कोर भी अंत में भारी पड़ जाता है। इस तरह से डेविड वार्नर और राहुल त्रिपाठी को एडन मार्करम ने जिम्मेदार बताते हुए अपना बड़ा बयान जारी किया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, किस वजह से हैदराबाद की टीम हारी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।